समाचार कैरी अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है और इस उपलक्ष्य में 27 से लेकर 29 मई तक मीडिया महाकुंभ का आयोजन पंचकुला की पावन धरती पे किया जा रहा है। इसमें 16 स्टेट से समाज सेवी, एनवायरनमेंट को संरक्षण करने वाले, शिक्षाविद, राजनीतिक, पत्रकार, खेल से जुड़े हुए, खापों से जुड़े हुए तथा अन्य संगठनों से जुड़े हुए सभी गणमान्य महानुभाव इसमें शामिल हो रहे हैं और इनको राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार भी दिया जा रहा है, जिसकी अंतिम सूची अभी कल जारी होनी है। मैं समाचार कैरी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो आयोजन है ये एक नया इतिहास रचे इस पंचकुला की पावन धरती पे, और ये प्रेरणा हो अन्य मीडिया समूह के लिए कि समाज सेवा कैसे की जाती है और समाज सेवा में मीडिया का ये भी योगदान हो सकता है। इसके बारे में भी जो है अन्य मीडिया समूह को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और निश्चित तौर पर ये महाकुंभ से जो विभिन्न वक्ता अपने वक्तव्य प्रकट करेंगे उससे निश्चित ही पंचकुलावासी और सभी 16 स्टेट से आने वाले सभी महानुभाव लाभान्वित होंगे और हमारे देश के निर्माण में सहयोग करेंगे। और ये कदम है भारत को विश्वगुरु बनने में, और जो प्रधानमंत्री ने एक विजन सोचा है 2047 में हम जो विश्वगुरु हम थे और पुनः हम विश्वगुरु बने और सभी लोग जो है भारत की जो भारत का अनुसरण करें, जो भारत की जो पीसफुल पॉलिसी है, किसी भी देश पे हम लोग कोई आक्रमण नहीं करते हैं और जहाँ भी ज़रूरत होती है हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। रिसेंटली आपने देखा है कि तुर्की में भूकंप आया तो भारत ने इमिडिएटली वहाँ पर मदद किया। इसी तरह से चाइना में भी जिस तरह का कोविड का समस्या हुई थी तो भारत के लोगों को ही नहीं अन्य देशों के लोगों को भी किस तरह से हम लोगों ने एवैक्यूएशन किया और कोविड प्रोटोकॉल को जिस तरह से हमने लड़ा है, ये इस चीज़ का द्योतक है कि भारत जो है अग्रसर है विश्वगुरु बनने में। और इसमें समाचार क्यारी जैसे समूह जो कि पिछले 25 साल से काम कर रहा है और अभी 5 स्टेट्स में वो प्रमुख तौर पर फैला हुआ है और समाचार कैरी को लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, इससे सर्टनली जो एक पॉजिटिव जो है वो इफेक्ट समाज में पड़ेगा। और मैं समाचार कैरी के जो मुखिया हैं श्री राजेश को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।